तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा एक टॉयलेट पेंट करने में कितना खर्चा आता है, कितना क्या मटेरियल लगता है और कैसे टॉयलेट को पेंट किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ज़रूर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है एशियन पेंट का एप्को लाइट सेकेंड क्वालिटी प्लास्टिक पेंट। तो दोस्तों, ये 4 लीटर का डिब्बा में है, मैं 1 लीटर ही है ये। तो आपको एक टॉयलेट पेंट करने के लिए 1 लीटर ही प्लास्टिक पेंट लेना है। तो दोस्तों, ये एप्को लाइट का प्लास्टिक पेंट 1 लीटर का करीबन आपको स्नो वाइट कलर बना के 350 रुपया में आ जाएगा। 350 रुपीज़ में 1 लीटर प्लास्टिक पेंट आ जाएगा। तो दोस्तों, 1 लीटर प्लास्टिक पेंट में आपको करीबन 200 से 300 ml पानी मिलाना है अच्छा से। ऐसे करके पानी एक बाल्टी में लेके पानी मिला लेना है। उसके बाद एक रोलर ट्रे ब्रश लेना है, ऐसे करके लेके इसको रेडी कर लेना है। तो दोस्तों, ये एक 5x10 का टॉयलेट है, तो इसको पहले साइड सब ब्रश से कटिंग कर लेना है। जितना कोना रहेगा उसको सब ब्रश से कटिंग कर लेना है। उसके बाद रोलर से अच्छा से अप्लाई करना है। तो दोस्तों, ध्यान से अगर रोलर जब अप्लाई कर रहे हैं तो वाइट कलर है इसीलिए थोड़ा समझ में नहीं आता है, तो रोलर सही से अप्लाई करना है दोस्तों, जैसे कि कहीं छूट ना जाए, बाकी ना रहे, अच्छी तरीके से मिला के रोलर अप्लाई कर लेना है। तो दोस्तों, ये एक कोट हो जाने के बाद दोस्तों, इसको फिर 4 से 5 घंटा आपको रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद फिर इसको डबल कोट करना है। दोस्तों, अगर आपको 2 घंटा में अगर वाल में अच्छा टान है तो 2 घंटा में भी अगर सूख जाता है, 1 घंटे में भी सूख जाता है तो आप डबल कोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक टॉयलेट पेंट करने में 1 लीटर प्लास्टिक पेंट ही काफ़ी है। 1 लीटर प्लास्टिक पेंट में एक टॉयलेट आराम से पेंट हो जाएगा। तो इसका दाम है करीबन आपको 350 रुपया 1 लीटर स्नो वाइट कलर का एप्को लाइट का। तो दोस्तों, और एक मिस्त्री का जो आप लोग का वहाँ का हाजिरी का रेट है, एक मिस्त्री का वैसा लगेगा। इधर तो अभी 500 रुपया है मिस्त्री लोग का हाजिरी। तो एक मिस्त्री और 350 रुपया का 1 लीटर प्लास्टिक पेंट में आपका एक टॉयलेट आराम से पेंट हो जाएगा। तो करीबन आपको 800 से 900 रुपया में एक टॉयलेट आराम से पेंट हो जाएगा। तो इसको करने में, एक कोट मारने में 1 घंटा ही लगेगा, फिर डबल कोट करने में 1 घंटा लगेगा, तो 1 घंटा के अंदर ही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 4 से 5 घंटा में सूखने के लिए दे दिया था, ये आराम से सूख गया है। अब मैं इसको पेंट करके दिखा रहा हूँ, डबल कोट अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसे करके फिर साइड सब में ब्रश सबसे कटिंग कर लेना है और मिडिल में रोलर से अप्लाई करना है। तो ऐसे करके मिला के फिर अप्लाई कर देना है, फिर इसको 3-4 घंटा सूखने के लिए दे देना है। तो दोस्तों, ये टॉयलेट हम लोग का सूख के रेडी हो गया है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आया है वाइट कलर। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं पेंट रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल में अपलोड करते रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।